अनुराग भदौरिया जवाब दे पाएंगे इस पर? और वो सवाल मैं फिर से कहती हूँ, क्या अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं उत्तर प्रदेश के? देखिए, शायद आप इस बात को ये भूल जाती है, भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनता चुनती है, परिवार नहीं चुनता है। नहीं, आप उम्मीदवार होंगे तब तो आपको चुनेगी ना। चुनाव में जनता आपको अगर वोट करेगी, उम्मीदवार तो पार्टी बनाएगी। सुन तो लीजिए, जनता आपको चुनेगी, अरे सुन तो लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, जनता आपको चुनेगी तो आप सांसद विधायक बनेंगे, और जनता आपको पूरी तरह से चुनेगी तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता के चुनाव में आप परिवारवाद कैसे लाते हैं? ये बात मैं नहीं कहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी से कह रहा था तो एक बार भारतीय जनता पार्टी यही तर्क दे रही थी, जब उनके यहां परिवारवाद आने लगा तब दूसरा तर्क देने लगी। अभी तो इनके एक प्रवक्ता क्या कह रहे थे पता आपको, एक चैनल पे मैं बात कर रहा था तो मैंने कहा एक नेता थे, उन्होंने जब पार्टी बदली तो उनकी बेटी भी कुछ पद पे थी, तो मैंने कहा वो कैसे थी, बेटी भी तो उनके पद पे थी, तो बेटी उसमें नहीं आती परिवार में, बेटा आता है। अरे भैया, बेटी नहीं आती, बेटा आता है, बेटा नहीं आता, बेटी आती, ये अपने हिसाब से परिवारवाद की परिभाषा तय करते हैं। अच्छा, जब ये फंस जाते हैं बीजेपी को छोड़िए, घुमाने लगते हैं अनुराग जी, बीजेपी को छोड़िए। असली मुद्दा क्या है सुन लीजिए, असली मुद्दा क्या है सुनिए, असली मुद्दा है महंगाई, बेरोजगारी, महिला पे अत्याचार, किसानों पे अत्याचार। इसके बारे में बहस क्यों नहीं होना चाहते, क्यों नहीं करना चाहते? ये मुद्दे पे चुनाव होगा, महंगाई पे 100 रुपए डीजल पार है, 100 रुपए पेट्रोल पार है, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, महंगाई से लोग यहाँ आत्महत्या करते रहे, बेरोजगार यहाँ युवा बेरोजगार घूम रहा है, वोट इस पे होगा। पूरे दिन इसी पर चर्चा होती रही अनुराग जी, पूरे दिन इसी पर चर्चा होती रही। दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है और वो डिग्रियां लिए घूम रहे हैं, उनको डिग्री नौकरी की जगह लाठी मिल रही है अनुराग जी, पूरे दिन इसी पर बहस होती रही है। लेकिन एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, मुद्दा वो भी है, मुद्दा ये भी है, एक सवाल का जवाब तो दे दीजिए, क्या अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी में रहते हुए कभी मुख्यमंत्री बन सकते हैं या जनता सिर्फ अखिलेश यादव को ही चुनेगी क्योंकि वो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं? जिसको चुनेगी वही तो मुख्यमंत्री बनेगा ना। अरे मैं एक विधान, मेरी बात सुन लीजिए, अनुराग भदौरिया जब जीतने लायक होंगे, उनका पॉपुलैरिटी होगी तो उतना उतना होगा ही नहीं, जो उसका पैमाना क्या है, पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या है, पॉपुलैरिटी का पैमाना क्या है? अरे नेता, नेताजी के साथ, नेताजी के साथ शिवपाल यादव लड़ाई लड़ते रहे ना। सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात तो सुनिए अनुराग जी, मैं आपकी बात तो कर रही हूँ तब से तैयार है अनुराग जी, मेरी बात तो सुनिए, नेताजी के साथ शिवपाल यादव इतने सालों तक सड़क पर संघर्ष करते रहे, नेताजी खुद कहते हैं कि पार्टी को मजबूत कंडीशन में उन्होंने पहुंचाया, फिर उन्हें बाहर जाना पड़ा, उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा कि अखिलेश यादव ही हमारे नेता है, ऐसी स्थिति क्यों हुई? आपको बोलने नहीं दूंगी मैं, दुनिया की कहानी सुना। अरे मैं सवाल पूछ रही हूँ, आप सवाल ही नहीं सुनना चाहते। बात नहीं करूंगी, कल्याण सिंह जी की बात नहीं करूंगी मैं, अनुराग ठाकुर की बात नहीं करूंगी, उसका सवाल तो मैं बीजेपी से पूछ रही हूँ ना अनुराग जी, बीजेपी का सवाल बीजेपी से पूछूंगी, वो आपसे थोड़ी पूछूंगी। आप समाजवादी की बात करेंगी तो आप एजेंडा लेके आए तो बता दीजिए ना, मैं एजेंडा लेके आया। अनुराग भदौरिया, आप तो सबसे पहले, आप सबसे पहले पर्सनल कमेंट करना बंद कीजिए। अनुराग भदौरिया, पर्सनल कमेंट करना बंद कर दीजिए। चर्चा वो भी है, चर्चा ये भी है। अनुराग भदौरिया, अगर आपको शौक है ना तो आप मीडिया रूम में आकर बैठिए, हर रोज का डिबेट का मुद्दा आप ही तय कीजिए, सवाल भी आप ही तय कीजिए। वो भी है, मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करते हैं, चर्चा वो भी है। अनुराग भदौरिया, यहाँ पर आपका घोषणा पत्र पढ़ने के लिए मैं नहीं बैठी हूँ, चर्चा वो भी है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे आपके पास सवालों का जवाब नहीं होता तो आप डिस्कशन का वक्त जाया करते हैं। मैं दूसरे अपने बलराज पासी के पास जाऊंगी, करना चाहती हूँ तो चर्चा क्या है? ठीक है, मैं बीजेपी के पास जाती हूँ, आप आ जाया कीजिए हर रोज सुबह मीडिया सेंटर्स पर और बता दीजिए कि आज का टॉपिक क्या होना चाहिए, सवालों की फहरिस्त भी आप रख दिया कीजिए, अगर आपको अपना काम नहीं पसंद है तो आकर कर लीजिए हमारा काम। ठीक है बलराज पासी जी, आपको आवाज मिल रही है? बलराज पासी जी, आपको आवाज मिल रही है? आपने पूछा अनुराग भदौरिया कभी मुख्यमंत्री होंगे क्या? अरे कभी क्यों, आज क्यों नहीं हो सकते? अनुराग भदौरिया में योग्यता में अखिलेश यादव से कहां से कम है, अखिलेश यादव से ज्यादा योग्य हैं। लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री बनने की बात करेंगे तो कान पकड़ के ये बाहर कर दिए जाएंगे। परिवारवाद ये होता है कि आज हमारे जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि अगला कौन अध्यक्ष होगा। लेकिन एक बात तय है कि जेपी नड्डा का बेटा नहीं होगा। लेकिन इस सवाल का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना, इस सवाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा कि आखिर विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा, वो भी तो उत्तराखंड में सितारगंज से विधायक है, इस सवाल का जवाब भी देना पड़ेगा। रीता बहुगुणा जोशी यूपी में मंत्री हैं, यूपी सरकार में है ना मंत्री, प्रेम कुमार धूमल के बेटे का सवाल वो उठा ही रहे अनुराग ठाकुर का, कल्याण सिंह के बेटे यहाँ एटा से सांसद है, तो इन सवालों का जवाब भी तो देना पड़ेगा बीजेपी को। ये इसलिए वक्त के हिसाब से बदलती रहती है चीजें।
ये सांसद विधायक नहीं, बात पार्टी की हो रही है, पार्टी के अंदर तय है कि कौन उसका आगे जो है, कौन अध्यक्ष को आगे, कौन उसको नहीं, जो आगे नहीं बात हो रही है कि एक परिवार एक टिकट, एक परिवार एक टिकट, यही बात रखी गई ना कि एक परिवार एक टिकट, तो इतने सारे नाम तो हैं। आज धूमल जी मुख्यमंत्री नहीं है, आज धूमल जी कहीं मुख्यमंत्री नहीं है, उनका बेटा अनुराग ठाकुर जो है वो सांसद है और वो मंत्री है केंद्र में। धूमल जी आज क्या है इस समय, ठीक है वो अपनी योग्यता से जीत कर आए हुए वहाँ पर, यही तो बात है। सब अपने अपनी सुविधा के हिसाब से मुद्दे तय करने लगते हैं, सब अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से स्टेटमेंट देते हैं और रणनीति तय करने लगते हैं। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त महाबहस में हमारे साथ शामिल होने के लिए। और अब बारी हो चुकी है कि हमने सवाल क्या पूछा था अपने सोशल नेटवर्किंग साइट कूपर, तो ये सवाल आपको बता दें और उस सवाल का जवाब क्या है ये भी आपको बता दें। हमने आज पूछा था कि क्या यूपी चुनाव में किसान निर्णायक भूमिका निभाएंगे, और इस सवाल का जवाब क्या मिला है ये भी आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं। हमारे एक यूजर ने जवाब लिखा है, ये बताना मुश्किल है कि किसान किसकी तरफ मतदान करेंगे, ये वक्त ही बताएगा। कई सारे कमेंट हैं, लेकिन उसमें से एक कमेंट जो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।